मुझे बहुत लोगों ने बोला दैट आई वुड डू वेरी वेल इन बिग बॉस, बट एक तो मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती. आई डोंट इवन लाइक स्टेइंग विद वन पर्सन, आई लाइक टू स्टे अलोन. तो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट इन अ हाउस फिल्ड विद सो मेनी पीपल एंड आई टू सी देयर फेसेस एवरी डे. आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट एंड आई कैन नॉट टेक एनीबडी. कोई मुझसे उल्टे मुँह बात करे, मैं नहीं, आई कैन नॉट टेक इट. सो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट देयर. तो मैं शायद सेकंड दो दूसरे दिन में वापस बाहर आ जाऊँ, किसी को हाथ हाथ उठा लिया मैंने तो, बिकॉज आई कैन नॉट टेक कोई बदतमीजी से बात करे. और वहाँ पे इतनी बदतमीजी होती है जो देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम द बिगेस्ट बिग बॉस फैन एंड आई वॉच एवरी सीजन एवरी एपिसोड विदाउट फेल. बट देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बट आई डोंट नो इफ आई वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम नॉट श्योर. एंड आई थिंक मेरा ये फर्स्ट रियलिटी स्टिंट था एंड आई थिंक दिस माइट बी माई लास्ट रियलिटी स्टिंट. You never know, but because I was not very comfortable as being Anjali in front of the camera, I was not. मुझे character दे दो, I will be like, you know, living in the character, I'll be very okay. But as me, I'm like, मैं क्यों camera के सामने अपने बारे में बात करूँ? Even interviews and all, I get very uncomfortable. So I think I will learn with time.